मैं MT15 देख रहा हूँ, यामा MT15, उसी के साथ कंपैरिजन भाई एक बाइक और निकल के आ रही है जिसके मैंने आज वीडियोस देखे। उसका नाम है KTM ड्यूक 200, जो कि 2024 मॉडल है, BS6 मॉडल है। पर वापस बात वो की वही आएगी, मतलब उसमें KTM है, वापिस टॉर्क ज्यादा मिलेगा, पावर ज्यादा मिलेगी। मेन बात बताऊँ, मैं बाइक किस लिए ले रहा हूँ, मैं बाइक इसलिए ले रहा हूँ। हेलो गाइस, सभी का वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सो भाई अभी लाइक इतनी जबरदस्त ठंड लग रही है ना, अभी एक्सरसाइज करने में काफी ज्यादा टाइम बाकी है। ऐसे डंबल वगैरह सब पड़े हुए हैं अपने, सस्ते डंबल, सो बाद में एक्सरसाइज करेंगे। एक बार तो मैं पूनम को छोड़ के आता हूँ, जो कि उसको क्या जाना है ना कोचिंग। सो फिलहाल सब ले लिया, क्योंकि भाई ठंड आज पता नहीं, कोहरा नहीं है पर आज इतनी ज्यादा ठंड लग रही है ना, हद से ज्यादा भाई। सो आज फिलहाल पूनम को जस्ट छोड़ के आऊँ, और इतनी ज्यादा ठंड ना, मेरे पता नहीं, मतलब ग्लव्स खोलने का मन नहीं है। मैं ग्लव्स खोलता हूँ तब मेरा फोन का मतलब स्क्रीन काम करती है ना, ग्लव्स होते हैं तो काम नहीं करती। तो आज जाकर लोग अभी से बनाए, ओहो फिलहाल ठंडा ठंडी में चूल्हा जल रहा है। अब फिलहाल मैं आया था भाई खेत में, और खेत में भाई कब से बैठा था, तो सोचा अपनी स्किल को थोड़ा सा इम्प्रूव करते हैं। सो मैंने कैप्चर खोला और आप सभी के लिए मैंने एक रील एडिट की है। वैसे रील मेरी ही है, तो मेरे क्या वर्कआउट करता हूँ डेली। सो उसकी मतलब एक मंथ तो लमसम 25 दिन अराउंड तो हो ही चुके हैं। सो इसलिए मैं सोचा भाई एक मंथ वाली ऐसी रील डाल देते हैं। सो रील मैंने पूरी एडिट की और अभी जस्ट डाली भाई 10:30 बजे। सो रील देखनी है तो सीधे इंस्टाग्राम पे जाओ, कपिल मंगा व्लॉग इंस्टाग्राम पे चेकआउट कर लेना भाई, रील डाल दी है। अब फिलहाल खेत का क्या ही ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल नजारा, नदी और दीपक उस तरफ, क्या नाम है, खेत में चारा काट रहे यार। खेत का ऐसा काम है सबसे खतरनाक वाला, फिलहाल वो देखो उस तरफ है, ओ भाई वही जंगल भी बहुत खतरनाक दिख रहा है। ओ भाई इस मोटर की पावर देखो, ये है 3 फेज की, हमारी है 2 फेज की, और एक ये मोटर हमारे कुएं में भाई 3 मोटर हैं, जो कि 2 तो 3-3 फेज की, हमारे नॉर्मल है 2 फेज की। भाई इसका पानी देखो एक बार, रुको देखो पाइप कहाँ पर, पानी कहाँ पर गिर रहा है, इतना स्पीड से जा रहा है ना, पूरी बाढ़ जैसा। मैंने कल भी बोला था भाई दीपक शक्ल नहीं दिखाएगा, क्योंकि कल मैंने उसका रीजन पूरा बता दिया आप सभी को। अब फिलहाल चलते भाई, ठंड बहुत ज्यादा हो रही है। Amazing. साथ मम्मी का एक थोड़ा सा खतरनाक वाला काम कर रही है, जो ये मूंग की दाल दिखाई दे रही भाई, पूरी पूरी मतलब पूरी पूरी मूंग की दाल है, तो इसको पीस के इसे छोटा बना रही है, वो छोटा बना के डब्बे में भर रही है। बहुत ही ना, इसको क्या बोलते हैं यार, पता नहीं चल रहा, मैं नाम याद नहीं आ रहा, हर बार मुंह पे आ रहा भाई, याद बोल नहीं पा रहा। हाँ ये मूंग की मतलब दाल बन रही है, दाल है या दाल, अच्छा दाल बनी रही है। वैसे मिक्सर में पीसने जाए पर हमारे पास अभी मिक्सर नहीं है। अब फिलहाल मैं मस्त नहा के आ चुका हूँ, और दाढ़ी का कोई चक्कर ही नहीं है, मतलब मेरे क्या हर तीसरे चौथे दिन, मतलब जब भी मैं नहाता हूँ ना उस दिन मैं दाढ़ी बनाता हूँ ना, अगर थोड़ी बड़ी बड़ी होती है एक नंबर वाली, तो हर बार काटनी पड़ती है, इस बार तो मैंने सफाया कर दिया। ये दिखाई दे रही पूरी दाढ़ी, अब ठीक है, मतलब छूने में बढ़िया लग रहा है। पूनम कोरियन लड़के क्या होता है, अरे यार इसका एक जानती है, एक कोरियन लड़के नहीं होते हैं, ऐसा सीन लग रहा है मेरे को, ये कोरियन को पूरी तरह से जानती है इसलिए इसको पूछ रहा हूँ। मतलब कोरियन के बारे में सब, कोरिया जितना होता है ना, कोरिया में हम जितना घूम नहीं सकते उतना उसने स्टडी कर लिया है कोरिया के बारे में, बस इसके जाने की देर है, सब कुछ इसको मतलब कोरियन में हाय हेलो कैसे बोलते हैं ये तक सीख लिया है, हम तो यहीं पर ठीक है। अब फिलहाल ये देखो पूरी दाल मम्मी ने पूरी मतलब कूट कूट के बारीक बना के बढ़िया गर्म पानी से धो दी, अब सूखा दी, इसको बढ़िया हम खाने में इस्तेमाल लेंगे तो ठीक रहेगा, और ये बढ़िया फायदा भी, फायदे वाली बात भी है, मतलब पड़ी पड़ी खराब हो रही थी ना, तो अब जाके पूरी मस्त बना दिए, और इसको बाजार में लेने जाओ तो कितने 100-150 के भाव है भाई। और भाई मेरे नए बाइक लेने की बात चल रही थी, तो पहले से मैंने काफी सारी हाइप बना रखी है कि बाइक लेंगे। फिलहाल घर पे अच्छी खासी बात चल रही है बाइक की, और कह रहे सभी हाँ लेंगे तो बढ़िया बात है, पर अभी नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा, या लमसम मान लो 5-6 महीने या 6-7 महीने बाद। और मैं MT15 देख रहा हूँ, यामा MT15, उसी के साथ कंपैरिजन भाई एक बाइक और निकल के आ रही है जिसके मैंने आज वीडियोस देखे, तो आज उसने मेरे को पूरा हिला दिया। सो कौन सी बाइक है मैं बताता हूँ। सो भाई मैंने न्यू बाइक देखी, उसका नाम है KTM ड्यूक 200, जो कि 2024 मॉडल है, BS6 मॉडल है, तो 2024 वाला नया मॉडल निकला ना, तो KTM ड्यूक 200 का। सो उसमें पूरी लुकिंग 390 वाली डाल दी, बस खाली डिस्प्ले थोड़ा अलग है, मतलब सब कुछ चेंज कर दिया, पर उसमें सिर्फ एक ही खराबी है, उसका माइलेज, जो कि भाई 35 का देती है, और उस तरफ MT15
50 का, Amazing! तो काफी ज्यादा ह्यूज डिफरेंस है। बस KTM मुझे यही दिक्कत लगी, KTM ड्यूक 200 में, बाकी उसमें सीटिंग कंफर्ट वगैरह, राइडिंग पोस्चर, हर चीज एक नंबर है। बस ये माइलेज की दिक्कत है और इसकी प्राइसिंग बहुत ज्यादा है। तो कितनी भाई, महाराज समझ में, ऑन रोड मैंने गूगल पे देखा तो क्या बता रही, 2,30,000, तो बहुत काफी ज्यादा महंगी भी पड़ती है। ना बाइक चलाने के बाद भी भाई चलाएंगे कैसे ज्यादा, तो मेरा क्या है कि शौक ज्यादा बाइक चलाने का, रोज बाइक लेके निकलूंगा ना तो उसमें तो भाई फटके हाथ में आ जाएगी, क्योंकि माइलेज बहुत ही कम। अगर 35 कंपनी बता रही ना तो 30 तो देगी देगी बाइक। पर वापिस बात वो की वो ही आएगी, मतलब उसमें KTM है, वापिस से टॉर्क ज्यादा मिलेगा, पावर ज्यादा मिलेगी। पर यार मेरे लिए तो भाई ठीक ही है MT, क्योंकि देखो मेरे को ज्यादा पावर की बाइक चलाने की आदत भी नहीं है। मैं अपनी खुद की जो स्प्लेंडर है ना उसको भी हाई रेट पे कभी चला नहीं सकता हूँ, एकदम उठानी हो भगानी हो ऐसा कुछ। सो 155 cc MT आ रही है और वो भी 50 के माइलेज के साथ, तो MT और सस्ती भी है, तो मुझे मेजर भाई MT पसंद है भाई। पर क्या एक कंपनी होती है ना जो टक्कर में भिड़ाने के लिए, एक दूसरे बाइक को भिड़ाने के लिए नई नई बाइक लॉन्च करती रहती है, तो KTM की मैंने देख ली, मतलब जितनी बाइक देख रहा हूँ ना सब गूगल पे देख रहा हूँ, सो गूगल मुझे अच्छी पूरी इन्फॉर्मेशन दे देता है, तो गूगल तो मेरे लिए फायदे वाली काम है। और सबसे मेन बात बताऊँ, मैं बाइक किस लिए ले रहा हूँ, मैं बाइक इसलिए ले रहा हूँ थोड़ी सी अच्छी बाइक होगी तो उस पर मोटो ब्लॉगिंग करेंगे तो थोड़े बहुत व्यूज भी बढ़ेंगे। मतलब MT-15 का भी क्रेज इतना चल रहा है ना, ड्यूक KTM से भी ज्यादा, तो इसलिए MT-15 मेरे लिए परफेक्ट लग रही है। वैसे मैं अकेले ही ड्राइव करूंगा सबसे ज्यादा। बस मैंने घर पे यही पूरा फोन में निकाल के पढ़ा और आपको बता दिया जितना कुछ था, यही आज का कंपैरिजन था। मतलब ये तो कंपैरिजन है, हम तो वैसे व्लॉग बनाते हैं, पर अपनी ड्रीम, अपने ड्रीम को लेना है ना तो उसके लिए बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है, सोचना पड़ता है। सो गाइज, आपको पता चल ही गया होगा कि आज का वीडियो हमारे किस टॉपिक के ऊपर है। सो कोई ना, अब फिलहाल उसका ही थंबनेल बना रहा था तो सोचा थोड़ा बहुत अपना वीडियो बाकी है और बना लेते हैं। मेन तो अभी देखो सूर्यास्त, ओहो क्या ही मस्त लग रहा है, मतलब अस्त होने वाला।